नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। देवभूमि के पौड़ी में हुई एक घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने छात्रा को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ऐसे में सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से और आम जनता की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि समाज में जब इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं तो समाज के अंदर एक डर व्याप्त हो जाता है। लेकिन प्रदेश की सत्ता पर काबिज त्रिवेंद्र सरकार महिलाओं के साथ हो रहे ऐसे घिनौने कांड के बाद भी खामोश है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो संभालने में सरकार पूरी तरह से नाकामयाब होती नजर आ रही है और मुखिया को इस बात की चिंता नहीं है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए। आलम यहां तक पहुंच चुका है कि शिमला के बाद पौड़ी में यौन उत्पीड़न से जुड़ी दूसरी बड़ी घटना है। न समाज के ठेकेदारों को इस बात का किसी तरह से इल्म रहा, न ही सुरक्षा के दावा करने वाले जिम्मेदारों को। लेकिन दिल्ली की निर्भया के बाद आज देश के हर शहर हर गांव में बेटी की असमत को लूटने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? दावे वादे करने वाली सरकार या फिर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था? खैर, जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है इसका जवाब ढूंढ लेना, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, घटनाओं में इजाफा हो रहा है। सवाल उठता है कि एक बेटी खुली हवा में सांस कैसे ले पाएगी? क्यों एक महिला हमेशा डर की साए में जीने को मजबूर है? पौड़ी की इस घटना के जवाब जरूर न मिले, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें और सरकार के माथे पर बदनामी का धब्बा जरूर लगा दिया है। जहां मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला पौड़ी से जुड़ा है, जहां परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा पर एक सिर फिरे युवक ने पेट्रोल उड़ेल कर आग लगा दी, उसे आग के हवाले कर दिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। छात्रा 70 से ज्यादा फीसदी झुलस चुकी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पीड़ित छात्रा को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर वो अपनी सांसें गिन रही हैं। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, कुछ न कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। December 16, 2012, देश की राजधानी दिल्ली की वो मनहूस रात जब एक लड़की नहीं बल्कि पूरे देश की असमत तार तार हो गई थी। देश में इस शर्मनाक घटना के बाद एक चिंगारी भरी। कानून बदला, संविधान बदला, लेकिन नहीं बदले तो वो है हालात। जी हाँ, निर्भया कांड को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली ही नहीं, देश के हर राज्य हर शहर में एक बेटी आज भी खुले में सांस नहीं ले सकती। सुरक्षा व्यवस्था खत्म हो चुकी है और इंसान की खाल में छिपे भेड़िए बेटियों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। ताजा मामले की बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में एक बहसी दरिंदे ने एक बेटी को अपनी हवश का शिकार बनाना चाहा, लेकिन जब वो अपने मंसूबों में नाकाम रहा तो उसने उस बेगुनाह को अग्निकुंड में धकेल दिया। दरअसल उत्तराखंड में पौड़ी के कफोल संयु पट्टी के आली भीमली में एक युवती को छेड़छाड़ का विरोध करना इतना महंगा पड़ा कि सिर फिरे युवक ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस दौरान पीड़ित करीब 70% से ज्यादा झुलस गई। इसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि हालत गंभीर देख युवती को हायर सेंटर रिफर किया गया है। तो मदद चाहते हैं और अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिले मेरी बच्ची को, और आरोपी को तो मैं बस आरोपी को फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, या तो फांसी नहीं है तो जनता के हवाले, या तो जनता के हवाले करो, वो छूटना नहीं चाहिए, मेरे को सजाए मौत चाहिए उसके लिए बस। दरअसल पीड़िता युवती गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी कैंपस में बीएससी की छात्रा है। वो अपने कॉलेज से प्रैक्टिकल की परीक्षा देकर स्कूटी से गांव लौट रही थी। इसी दौरान युवती का पीछा कर रहे युवक ने सुनसान क्षेत्र देखकर युवती को रोका और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। युवती के विरोध पर आरोपी ने पेट्रोल छिड़क कर युवती को आग के हवाले कर मौके से फरार हो गया। हालांकि इस घिनौनी वारदात के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी युवक को धर दबोचा है। बहुत ही दुखद घटना है पौड़ी क्षेत्र की,
लड़की बीएससी में पढ़ती थी और कोई ड्राइवर उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको उसने कल जलाकर मारने का प्रयास किया है, किंतु लकीली अभी तक तो बच गई है लड़की। 70-75% बर्न बता रहे हैं, एम्स में दाखिल करा दी गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। यद्यपि राजस्व क्षेत्र का मामला था, किंतु पुलिस ने प्रोएक्टिवली पुलिस उसको जो है अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि प्रदेश में इतनी बड़ी घटना के बाद छात्रों में खासा रोष है। छात्र संघ बीजीआर कैंपस पौड़ी में जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर आरोपी को तुरंत फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। खैर देखा जाए तो एक बेटी के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये मामला कोई अपने आप में पहला नहीं है, बल्कि 16 दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के बाद आज भी एक बेटी हर रोज हवस के वहशी भेड़ियों का शिकार हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में देश भर में महिलाओं के साथ रेप के कुल 38,947 मामले सामने आए, मतलब हर रोज औसतन 107 महिलाएं रेप का शिकार हुई हैं, जबकि 2014 में यह औसत 90 के करीब था। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में भारत में बलात्कार की घटनाओं की संख्या बढ़कर 33,707 हो गई, जो 2012 में 24,923 थी। साल 2013 में 15,556 मामलों में दुष्कर्म पीड़ितों की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। इसके अलावा साल 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,38,954 मामले सामने आए, मतलब देश भर में रोज औसतन 928 महिलाएं किसी न किसी अपराध का शिकार हुई हैं। इन आंकड़ों की सबसे डरावनी तस्वीर यह है कि यौन शोषण का शिकार होने वालों में बच्चों का प्रतिशत काफी तेजी से बढ़ा है। खैर इंसान के रूप में घूम रहा जानवर आज बेटी और बच्चियों के शरीर को नोच रहा है, और ये नतीजा सिर्फ उस सोच का है जो 2012 की काली रात से आज तक जीवित है। मतलब साफ है, निर्भया कांड के बाद बदलाव की जो चिंगारी पूरे देश में ज्वाला की तरह दहकी थी वो आज बुझ चुकी है। हालांकि कानून में संशोधन जरूर हुआ, लेकिन लोगों की सोच आज भी कुंठित है, जिसका नतीजा है कि आज बेटी न घर में महफूज है और न बाहर सुरक्षित। लेकिन सवाल है कि बेटी की सुरक्षा के दावे करने वाले क्या महज जुमलों के सहारे सेफ्टी का प्रमाण देते हैं, या फिर जमीनी हकीकत पर कुछ और है। बहरहाल कठुआ या फिर दिल्ली, तस्वीर आज भी वही है। लेकिन हालत सुधरेंगे कैसे? क्या महज कानून बनाने से बेटियों पर अत्याचार खत्म होगा? जवाब होगा नहीं। जब तक लोगों के अंदर कानून का डर और सजा का खौफ नहीं होगा, तब तक ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में हर दिन निर्भया कांड के रूप में एक बेटी की असमत यूं ही लूटी जाएगी। आज जरूरत है कानून के रूप में सख्ती की, सजा के रूप में कठोर परिणाम की, नहीं तो गम की परछाई के पीछे दर्द के आंसू बहाती एक बेटी केवल यही कहेगी कि अगले जन्म मुहे बिटिया न कीजो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो किस तरह से अगर इस तरह की घटनाओं को अगर गौर से देखने की कोशिश करें तो कई तरह के स्टैंड अपने आप निकलकर सामने आते हैं। पहली जो बात निकलकर सामने आती है, क्या सोच बदलने की जो बात समाज की सोच इस तरह की दरिंदों पर, इस तरह के वशी दरिंदों पर किस तरह से नकेल कसी जाए, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे निर्भया कांड की बात कर लें, उसके बाद कानून बनाए गए, टफ कानून किए गए, सख्त कानून किए गए, लेकिन कानून से भी कुछ नहीं होने वाला। तो कई तरह की बातें एक साथ निकल कर आ रही है और कई तरह के सवाल समाज के ऊपर भी सवाल है, सरकार की इच्छा शक्ति पर भी सवाल है, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का जो सबसे बड़ा मसला है उस पर भी बड़ा सवाल है। इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं, जो इस वक्त हैं गरिमा दसौनी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। गरिमा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मधु भट्ट जो इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। मधु भट्ट जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रियंका राणा जी हैं, समाज सेविका। प्रियंका राणा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और संजीव चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ। संजीव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले चलेंगे प्रियंका के पास। प्रियंका, देखिए तीन बातें बहुत आसानी से समझी जा सकती है। जब इस तरह की घटनाएं महिलाओं के खिलाफ, हमारी बेटियों के खिलाफ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सोच पर सवाल उठाया जाता है। समाज में तमाम तरह की जागरूकता लाई गई कि सोच बदली जाए, लोगों की सोच को बेहतर किया जाए, लेकिन इसके बाद भी घटनाएं नहीं रुकी। घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ। मतलब ऐसे लोगों की सोच को बदल नहीं सकते जो दरअसल नेचुरली, जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी प्रवृत्ति ही वहशी है, जिसकी प्रवृत्ति ही इस तरह की दरिंदगी करनी है। दूसरा जो सवाल है लॉ एंड ऑर्डर पर, जब निर्भया कांड हुआ तो कानून को सख्त बनाया गया प्रियंका, लेकिन कानून का क्या असर हुआ? घटनाएं रुकी नहीं, घटनाओं में और इजाफा हुआ। मतलब
कानून सख्त कर देने से भी ऐसे वहशी लोग जो हैं, दरिंदे लोग, उन्हें डराया नहीं जा सकता। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, सरकार की इच्छा शक्ति पर। खूब वादे होते, खुद दावे किए जाते, लेकिन सरकार भी ऐसा लगता है कि लाचार है, मजबूर है, खामोश है। थोड़ा सा बताएं इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन पा रही है, हम आप ऐसे लोगों को पकड़कर उस पर नकेल क्यों नहीं कस रहे, क्या क्या है, कैसे क्या रास्ता दिखता है प्रियंका आपको? जितने भी कानून बने हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करवा पाए, इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं है नहीं। और रही बात सोच की, तो सोच रातों रात तो बदलेगी नहीं, बिल्कुल। सोच बदलने में समय लगता है, उसके बदलने तक सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। पहले हिली एरियाज जो माने जाते थे काफी सेफ माने जाते थे, लेकिन मुझे लगता है अब तो देश में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचा है जहाँ पे महिलाएं सेफ हो। और आप देखिए 50% जो आपकी महिलाएं हैं उनका मतलब वो वोट देती हैं और उनका मेन अहम रोल है देश के अंदर। जब वही सेफ नहीं है, आज हर फील्ड में आगे हैं, उनको रात को निकलना पड़ता है, दिन में निकलना पड़ता है। आज कौन सा देश हमारे देश में ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम लोग बाहर निकल करके काम कर सकते हैं, रात को बेखौफ हम लोग निकल सकते हैं, और कहाँ पे ऐसे इंसिडेंट नहीं हो रहे हैं? तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और रही बात सोच की, तो हाँ ठीक है, समाज में सोच बदलने की जरूरत है। लड़कों को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर लड़की ना कह रही है तो उसका ना का मतलब ना ही होता है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे आपकी बीवी हो। अगर आपको वो किसी चीज के लिए मना कर रही है तो उसका मतलब आप ना ही समझिए। तो वो चीज एक सोच बदलने की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन को काम करने की जरूरत है। जितने भी कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन हो नहीं रहा ना प्रियंका। दिक्कत है कि हो ही नहीं रहा। जो जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिस पॉलिटिकल विल पावर की बात लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जाता रहा, लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता रहा, जनता को भ्रमित करने की कोशिश होती रही, जनता को बरगलाने की कोशिश होती रही, और महिलाओं को एक छद्म भरोसा दिया गया दोनों पार्टियों से कि हमारी जब सरकार आएगी तो महिलाओं को और अधिक सुरक्षा दी जाएगी। मधु भट्ट जी, बहुत बड़ा सवाल है, मैं तो आपसे मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद में सवाल पूछता तो बेहतर था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मधु भट्ट जी, क्या हो रहा है उत्तराखंड में? एक के बाद एक कई घटनाएं और बहुत घिनौनी घटनाएं हो रही हैं। कम से कम देवभूमि इन सब चीज़ों से अछूती थी, क्या है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर क्या बोलना चाहेंगी आप? हम देखिए, ये आप नहीं, आप इस तरह की बात नहीं करना कि कांग्रेस के वक्त में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कांग्रेस के वक्त में ऐसा नहीं हुआ था। अब आप लोग बदनाम हो रहे हैं मधु भट्ट जी। देखिए गौरी शंकर जी, निसंदेह ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही गंभीर एक समाज में जो समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है, महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उसमें, क्योंकि कानून तो बहुत सख्त बने हैं। हमारी सरकार ने कहा है कि फांसी की सजा का प्रावधान भी किया है और हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से भी, ताकि जो दोषी है उसको तुरंत सजा मिले। और साथ में हमारे, मैं उत्तराखंड की बात कहूंगी तो हमारे उत्तराखंड में तो ये जो अपराध दर है वो काफी कम है। अगर नागालैंड के बाद में कहूंगी तो दूसरा राज्य हमारा ही आता है जिसमें अपराध बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखे, हम देख रहे हैं कि इस तरह के आंकड़े, मधु भट्ट जी, आध्यात्मिक इस तरह के आंकड़े देकर मधु भट्ट जी आप इस घटना को छोटा करार मत कीजिए। ठीक है, आपने अफसोस जाहिर किया, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या सरकार की जो इच्छा शक्ति है महिलाओं को सुरक्षित करने को लेकर उसमें कुछ कमी आई है? आप लोग ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए, कम से कम देवभूमि में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। मधु जी, मैं पूछना चाहता हूं गरिमा जी से, गरिमा दसौनी जी, मैं जानना चाहता हूं देवभूमि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उसकी अस्मत को लेकर इतनी बदनामी क्यों झेल रही है पिछले एक दो साल के अंदर? आंकड़ों के साथ अगर बात करें तो बेहतर होगा। आपने बहुत साफ गोई के साथ बता दिया कि पिछले कुछ समय से ही यहाँ पर जो घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ते जा रही हैं। जो भी हुआ बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबके लिए शर्मनाक है। जो उत्तराखंड देवभूमि तपोभूमि में रहने वाले लोग हैं, जिनको लोग बहुत ऊंची नजरों से देखते हैं, जहां पर अपराध ना के बराबर हुआ करते थे, वहां लगातार ऐसा क्या हुआ कि पिछले दो सालों में यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है? आपको मैं सिलसिलेवार अगर गिनाऊं तो
चार महीने की बच्ची के संग हमारे पहाड़ों में सुदूरवर्ती इलाकों में बलात्कार हो जाता है और उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। हमारे वहाँ दून चिकित्सालय जो राजधानी में सबसे बड़ा चिकित्सालय है पूरे प्रदेश का और राजधानी में है, ध्यान से सुनिए मधु जी, शौचालय में होता है। ध्यान से सुनिए, एक-एक आंकड़ों का हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए कि उसको इलाज नहीं मिल पाता। हमारे वहाँ आज ही के दिन मसूरी में अस्पताल के दरवाजे पर प्रसव हो जाता है क्योंकि बेड नहीं मिल पाता प्रसूता को। मैं पूछना चाहती हूँ त्रिवेंद्र रावत सरकार से कि क्या कर रहा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, साइकिल रैली? रेखा आर्या जी को लगता है, जो मंत्री महोदया हैं, उनको लगता है कि देहरादून से हरिद्वार तक अगर साइकिल रैली निकाल दी जाए तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा जो है वो सार्थक हो जाएगा। और पूरा आपने जैम लगा दिया, पुलिस प्रशासन ने आपको मना किया कि इट इज अ वेरी वेरी बिजी रोड, जो देहरादून और हरिद्वार कनेक्टिविटी रोड है वो बहुत बिजी रोड है, मैडम ये रैली मत निकालिए। मुझे आगरा करने मुझे मुझे इसका जवाब मुझे इसका जवाब गरिमा जी मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, हम बाद में बात कर लेंगे। मुझे इसका जवाब चाहिए, रैली करूंगी भी, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए गरिमा जी, मुझे इसका जवाब चाहिए गरिमा जी कि आखिरकार महिलाओं को लेकर उसके खिलाफ इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, दुराचार की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं, यौनाचार की घटनाएं जो हो रही हैं, इतना इजाफा क्यों हुआ है? मैं इस बहुत ही क्लैरिटी के साथ बात करना चाह रहा हूं, इतना इजाफा क्यों हुआ है? क्या सरकार वाकई में नकेल कसने में नाकामयाब है? सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है? निर्भया कांड होने के बाद सख्त कानून बनाया गया, उस कानून को लागू करने की कोई मैकेनिज्म नहीं है सरकार के पास और इसीलिए सरकार खामोश है क्या? मुझे थोड़ा सा बताएं, विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, टेलीविजन पर बोलने के साथ साथ थोड़ा सा धरातल पर भी काम करें कि देखिए बहुत बहुत मामला गड़बड़ हो रहा है। दसौनी जी मुझे बोलने तो दीजिए, आपने प्रश्न पूछ लिया, मैं जवाब दूं? बोलिए। हाँ, मैं जवाब देना चाह रही हूँ गौरीशंकर जी। पहला कारण है कि समाज में आज सरकार का कोई रसूख नहीं रह गया, कोई डर नहीं रह गया, कोई भय नहीं रह गया। ना न्यायपालिका से डर लगता है, ना प्रशासन से डर लगता है, ना सरकारी नुमाइंदों से डर लगता है। समाज में एक अराजकता का माहौल है चारों तरफ। दूसरा कारण इसका यह है कि हम अपनी बच्चियों को भी अगर सक्षम बनाएं, हमने बचपन से ही, हम लड़कों पर तो ध्यान देते हैं लेकिन बच्चियों को भी हमें तमाम तरीके की शिक्षा देनी चाहिए अपने बचाव की, जूडो कराटे से लेकर दूसरी चीज। चलिए ठीक है, ठीक है, हम सवाल पूछ लेंगे प्रियंका जी से, हम पूछ लेंगे, लेकिन उससे पहले संजीव चौधरी जी के पास आते हैं। संजीव चौधरी जी, झगड़े में लिपट कर संजीव चौधरी, देखिए ये मसला बनी है, थोड़ा सा रुकेंगे दसौनी जी, गरिमा जी थोड़ा सा रुकेंगे आप, इनको अपने झगड़ों से फुर्सत। ये जो मसला है, जो घटना घटी संजीव जी, ये घटना सिर्फ उत्तराखंड के संदर्भ में ना देखें, इस घटना से एक बड़ा एक गलत संदेश जाता है कि देखिए बच्चियों को लेकर, बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर लोगों की सोच में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, बीजेपी की पार्टी हो। दरअसल जहां पर कुठाराघात होनी चाहिए थी, जिस इच्छा शक्ति को लागू करने की ज़रूरत थी, वहां पर तमाम पार्टियां फेल नज़र आ रही हैं। संजीव जी आप भी उस फहरिस्त में हैं और मैं 4-5 उदाहरण बता दूंगा अगर आप सही सही जवाब नहीं देंगे तो। देखिए गौरीशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनोफेस्टो में मैन इनका था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ये बिल्कुल विफल हो चुके हैं। जैसा कि अभी अभी हमारी बहन गरिमा जी बोल रही थी, रैली के माध्यम से केवल ये प्रचार करने का काम कर रहे हैं, धरातल पे कोई भी ना ये कोई कानून लागू कर रहे हैं। इनकी जहाँ जहाँ भी सरकार है वहाँ वहाँ ये विफल होते जा रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि इन लोगों ने केवल और केवल एक धर्म पे बांटने के उसमें लगे हुए हैं कि धर्म पे, आम जनता को धर्म पे बांट दो और अपना राज करो, ना ही कोई किसी तरीके का ये कोई कानून, जितने कानून नहीं, बने। मुझे आपकी बात बहुत सही ढंग से समझ में नहीं आ रही, इसमें धर्म और कर्म की क्या बात आ जाती है? एक लड़की अगर परीक्षा देकर अपने घर लौट रही है, एक युवक उसका पीछा करता है, देखिए वो कितना बेखौफ है वो युवक, उसे डर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, वही तो उसे डर नहीं है सरकार के नियम कानून का, ये लोग है ना, अगर और बीच में रोक करके, देखिए बीच में रोक करके छेड़छाड़ कर रहा मैं वही, और वो लड़की जब विरोध करती है तो पेट्रोल छिड़क कर आके हवाले कर दिया। मैंने वही तो कहा कि किसी को भी कानून का डर नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इनके राज में कोई कानून नाम की चीज बची नहीं है। चलिए हम थोड़ा एक्सपेंड करके समझने की कोशिश करेंगे। प्रियंका राणा जी, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि निर्भया कांड के बाद इतना सख्त कानून बनाया गया, आप समाज सेविका हैं, कई सारे उदाहरण आपके सामने आते होंगे,
और आपको भी शर्म आती होगी कि कानून बनाने से क्या फायदा हुआ, सख्ती से तो लागू करने की कोई इच्छा शक्ति नजर ही नहीं आती। हम लोग का मैकेनिज्म कहाँ फेल नजर आ रहा है प्रियंका राणा, कहाँ पर हम लोग फेल हो रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम लोग सभी बहुत ही शर्मसार होते, इस तरह की घटना देखकर, इस तरह की घटना पर हम लोग चर्चा करके भी शर्मसार होते। कहाँ पर हम लोग का मैकेनिज्म पूरी तरह से फेल है, चाहे निर्भया कांड के बाद कितनी भी सख्त कानून बना दिया गया, संशोधन बाकायदा किया गया और सख्त कानून बनाया गया, इसके बावजूद भी देखिए युवक पीछा करता है, लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, नहीं मानती है ना, पेट्रोल छिड़क करके आके हवाले, क्या मजाक है? मतलब किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का पूरा हिसाब किताब उत्तराखंड या पूरे देश के अंदर चल रहा है प्रियंका राणा? बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि सिर्फ ये कागजी कार्रवाई होती है। आप अभी भी थाने में चले जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, काफी मामले तो आपके दबा दिए जाते हैं। लड़की और जो आपका आरोपी होता है उसमें समझौता तक करवाने की कोशिश की जाती है, तो ना तो जो अपराधी हैं उनके अंदर खौफ है, ना ही इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है। तो बहुत सारी कमियां हैं जो अभी भी चल रही हैं, और जो वादे हैं आजकल तो जितनी भी पार्टीज आती हैं अपने ब्रांड की इतनी अच्छी पब्लिसिटी करते हैं और उसको इस तरह से दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जमीनी हकीकत देखी जाए तो आज भी महिलाएं वहीं पर हैं जहाँ पे कई साल पहले थी, ना बाहर निकल सकती हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाए बेटी जब वो बाहर निकलेगी नहीं? लड़की स्कूल से ही आ रही थी जब उसको जला दिया गया, तो आप बताइए कहाँ सेफ है बेटी? इतने बड़े बड़े वादे किए गए थे बीजेपी मैदान में, महिला सम्मान में, तो कहाँ है? ना सम्मान है, ना बेटी कहीं सेफ है, तो किस तरह से बचाया जाए? भ्रूण हत्या होती है उसमें कहते हैं, तो क्यों माँ बाप ये कहेंगे कि हाँ हम बेटी बचाएं? इसलिए कि वो इतनी असुरक्षित महसूस करे इस देश में। तो कहाँ है सरकार? जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? इतने बड़े बड़े नारे दिए गए थे, आखिर वो कहाँ इम्प्लीमेंटेशन, कहाँ कमी आ रही है? देखिए हर चीज हो रहा है, हर चीज हो रहा है ना, हर चीज हो रहा है। ब्रांडिंग मोदी, ब्रांडिंग राहुल गांधी, सिर्फ बातें हो रही है। मधु भट्ट जी और गरिमा दसौनी जी, हर चीज की ब्रांडिंग हो रही है ना, ब्रांडिंग बीजेपी, ब्रांडिंग कांग्रेस, है ना, धुआंधार चुनाव प्रचार कैसे हो? तो भाई चुनाव प्रचार विशेषज्ञ ले आओ, है ना, सब कुछ वही कर देगा। हर चीज की ब्रांडिंग, यहाँ तक कि बेटी की भी ब्रांडिंग की गई बीजेपी की तरफ से, मधु जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन देखिए हश्र क्या है, अब तो बोलने में भी मुझे लगता है कि मुझे बोलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है मधु भट्ट जी की, मैं बोलूं या ना बोलूं। अगर उत्तराखंड, सिर्फ उत्तराखंड की बात है, सुनिए ध्यान से सुनिए मधु भट्ट जी, सुनने का दिन है, सुनिए आप थोड़ा सा, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी ब्रांडिंग की गई, लेकिन देखिए बेटियों की हालत क्या है। उत्तराखंड में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो फिर ब्रांडिंग त्रिवेंद्र सरकार का क्या मतलब है, है ना? जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का क्या मतलब है? जीरो टॉलरेंस ऑन लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब है? जीरो टॉलरेंस ऑन तमाम तरह के जो करप्शन अलग अलग विभागों में चल रहे हैं उसका क्या मतलब है? लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब है बता दीजिए, बस यही हम जानना चाहते हैं। देखिए गौरी शंकर जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जिसमें 11% जो पुलिस प्रशासन में सिर्फ महिलाएं हैं, और महिलाएं ही थानेदार हैं, महिलाएं एसपी और महिलाएं कांस्टेबल और महिलाएं सिपाही हैं। और इसके बाद ये घटना घट गई मधु भट्ट जी, और देखिए इसके बाद भी घटना घट गई। वो युवक कितना बेखौफ था, वो युवक कितना बेखौफ था कि तमाम तरह के जो दावे आपकी तरफ से किए गए सब खोखले साबित हो रहे हैं। उस युवक के अंदर अगर आपके लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा सा भी खौफ होता ना मधु भट्ट जी, तो उसकी हिम्मत नहीं होती उस लड़की के पीछे, लड़की का पीछा करना और छेड़छाड़ करना। सुन लीजिए, मैं बताना चाहती हूँ, हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है हर मुद्दे पर, चाहे बेटी बचाओ से। बोलिए गरिमा जी, बोलिए गौरी शंकर जी, नहीं बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैं ज्यादा काउंटर करूंगा तो मधु भट्ट जी कहेंगे बीजेपी के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ। आप बोलिए गरिमा जी, बोलिए आप। संवेदनशीलता आपकी दिखाई दे रही है, आपकी दिखा रही है, जिस तरह से आप बोल रही है उससे आपको संवेदनशील दे रही है। लड़कियां जल रही हैं और उसके ऊपर से आपको कोई चिंता नहीं है उनकी। नहीं नहीं, मैं गौरी शंकर जी, ये जो लड़की को यहाँ बहन बाजी या लड़ाई झगड़े करने वाला मुद्दा नहीं है, ये अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, समस्या हो चुकी है। नहीं तो संवेदन मुद्दा आप कह रही है गरिमा जी संवेदनशील है, प्रियंका राणा भी कह रही है संवेदनशील है,
लेकिन मधु भट्ट जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है। कौन कर रहा है? हमारी सरकार संवेदनशील है, मधु भट्ट जी कह रही है। बहुत अच्छी बात है मधु भट्ट जी, बहुत अच्छी बात है। सरकार को संवेदनशील बनाइए, है ना, सरकार को और भी संवेदनशील बनाइए और उत्तराखंड इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी, होती रहेंगी, लेकिन आप लोग कभी कहेंगे कि हमारी सरकार संवेदनशील है। चलिए रुकते हैं थोड़ा सा ब्रेक के लिए, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि संवेदनशीलता का मतलब क्या, सरकार को या फिर सरकार को अलग अलग मुद्दों पर संवेदनशील होने की जरूरत है। अगर सरकार वाकई में संवेदनशील होती महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, है ना, हमारी बेटियों की सुरक्षा को लेकर, तो इस तरह की घटना कतई नहीं हो सकती। पुलिस और प्रशासन में बहुत दम है, सरकार को इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैसे बचेंगी बेटियां, कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी हमारी बेटियां, महिलाओं की असमत आखिरकार कैसे सलामत रहे, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस तरह के मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मीडिया को सरकार मजबूर कर देती है, मीडिया को बोलने के लिए सरकार और भी मजबूर कर देती है। तब जब इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं होती तब हम लोग को चर्चा करना होता, और लोगों से चर्चा करने का मकसद ये होता है कि इस प्रवृत्ति को रोकना होगा, सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। कई मेहमान इस वक्त है हमारे साथ, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले उसे सुनते हैं। घटनाक्रम सबके सामने आया है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और लड़की जो है कॉलेज में पढ़ने वाली थी, और मालूम चला है कि पड़ोसी गांव का ही वो लड़का था जिसने जो है प्रेम प्रसंग जो उसका था वो एक तरफा था, और इसी के चाहे वो इसी के शायद प्रेशर में उसने उस लड़की पे जो है पेट्रोल छिड़क कर जो है उससे जलाने का उसने काम किया है। जैसे ही घटनाक्रम का संज्ञान मेरे पास में आया और मैंने तुरंत जो है एसएसपी से इस संदर्भ में बात करी, और बात करने के साथ साथ में ये हुआ कि जो घटनाक्रम 8 बजे हुआ, 8 बजे होने के बाद में 1 घंटे के अंतर्गत जो है 9 बजे के करीब वो लड़का जो है पकड़ा गया, और वो अभी जेल में है। देखिए ये मामला बिल्कुल ही निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है, और इस तरह की स्थिति का होना उत्तराखंड, क्योंकि एक बहुत ही शांत प्रदेश है, इस तरह की घटना का होना निस्संदेह है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस ओर जा रही है, और ये बहुत ही गंभीर विषय है, एक सामाजिक चिंतन का विषय भी ये बन चुका है कि लगातार जिस प्रकार से महिलाओं पर ये जो अपराध की प्रवृत्ति ये जो बढ़ रही है इसको रोकने के लिए बिल्कुल सरकार तो अपनी तरफ से काम करती है, पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से काम करता है, पर कहीं ना कहीं ये समाज को भी और मतलब पूरे जो परिवार के एक जो मुखिया होने के नाते उसमें भी उनको सबको देखना पड़ेगा, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवेश किस प्रकार का परिवेश अपने बच्चों को दे रहे हैं। हाँ देखिए, माँ गंगा ने जन्म लिया, और जहाँ माँ सती ने अपने गौरव की रक्षा के लिए हवन कुंड में समर्पित हो गई, और ये नारी प्रधान प्रदेश है, अगर उत्तराखंड जिंदा है तो हमारी महिलाओं की वजह से है, और 18 साल की बच्ची के साथ इस तरह से जंगल में 31 साल का कोई आदमी उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दे और उसको मरने के लिए छोड़ दे, तो ये हमारे पूरे प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी शर्म, वाकई में बहुत ही शर्म की बात है, बहुत चिंता की बात है, और सबसे बड़ी बात है कि इस पर हम लोग जितना भी चर्चा कर लें शायद कुछ हल निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा अलग मसला बनता है, लेकिन सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश होती है कि सरकार थोड़ा सुधर जाओ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत सारे दावे और वादे जो किए गए थे कुछ दिख नहीं रहा है, और जनता सब कुछ देख रही है। एक शांत प्रदेश उत्तराखंड को माना जाता है, और अगर वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं, प्रियंका राणा जी इस वक्त हैं सामाजिक कार्यकर्ता, इसके बाद गरिमा दसौनी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, मधु भट्ट जी बीजेपी की नेता,
और संजीव मैं बोलूं गौरी शंकर जी मेरा टर्न है। संजीव चौधरी जी इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता। गरिमा जी बोलिए आप। देखिए गौरी शंकर जी, जो अभी मधु भट्ट जी कसीदे पढ़ रही थी कि 11% महिलाएं पुलिस में हैं और वो केवल उत्तराखंड में हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप 2.25 साल से इस राज्य में हैं, आपने एक भी भर्ती नहीं करी है। वो सारी भर्तियां हमारे कार्यकाल की हैं, क्योंकि हमने इस बात को इंश्योर किया कि अगर महिला की कोई पीड़ा है तो वो महिला कांस्टेबल से या महिला थानेदार से या महिला एसपी से बढ़िया कोई महिला अपनी बात को व्यक्त कर पाएगी। इस बात का खास ख्याल रखते हुए हरीश रावत सरकार ने चाहे होमगार्ड हो चाहे वो पुलिस भर्ती हो, तमाम भर्तियों में महिलाओं को प्रायोरिटी देने की कोशिश करी। और यहाँ जब से 2.25 साल से त्रिवेंद्र रावत सरकार है, कोई भर्तियां ना खुली हैं ना अध्याचन खुले हैं, कुछ नहीं हुआ है। एक भी नौकरी इन्होंने अभी तक किसी की भी नहीं लगाई है। ये मैं चुनौती के साथ बहुत जवाबदेही के साथ कह रही हूँ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर ये प्रशासन मुस्तैद होता, अभी मैं रेखा आर्या जी की जी बोलिए आप कंटिन्यू कीजिए, कह रही हूँ मैं, नहीं फर्क पड़ता है। अगर एक महिला अपने साथ हुए दुष्कर्म की या अपने साथ हुए छेड़खानी की बात थाने में जाकर कहती है और एक पुरुष सामने बैठा हुआ मिलता है तो उसके अंदर इनहिबिशंस होते हैं, उसके अंदर एक रुकावट आती है। लेकिन एक महिला महिला के सामने ज्यादा अच्छे से अपने आप को व्यक्त कर सकती है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि ऐसी संवेदनहीन मंत्री जो है मंत्रालय को देख रही है, जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फर्क तब पड़ेगा गरिमा जी जब जब सरकार की इच्छा शक्ति भी मजबूत हो, कुछ फर्क लाने वाली इच्छा शक्ति हो। अगर सरकार अगर इस तरह की चीजें सोच ही नहीं रही हो, महिला कर्मी है तो क्या फर्क पड़ता है, है ना? अगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, गौरी शंकर भाई मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। गौरी शंकर जी सरकार की बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति, फांसी का प्रावधान कर दिया। गौरी शंकर जी मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई, मैं जल्दी से समाप्त कीजिए गरिमा जी, और भी लोग हैं। मैं आपसे कहना जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, इसके बाद मधु जी के पास समाप्त है। अभी उतरिए ना सड़क पर, जब आपकी सरकार है आप क्यों नहीं उतरती आप सड़क पर? निर्भया में आप लोग विपक्ष में थे, तब आप लोग झंडे डंडे लेकर यूपीए सरकार के खिलाफ उतर गए सड़कों पर। आज आपकी सरकार में महिलाओं के साथ जब अपराध हो रहे हैं, तब आपकी महिलाएं कहाँ चूड़ी पहनकर घर के अंदर दुबकी पड़ी हैं? कहाँ है वो सुषमा स्वराज, कहाँ है वो स्मृति ईरानी, कहाँ है वो हेमा मालिनी? आज क्यों नहीं उतरते सड़कों पर और पूछते मोदी जी से कि क्यों बढ़ रहे हैं महिलाओं पर अपराध, क्यों इतने ज्यादा दुष्कर्म हो रहे हैं बच्चियों के साथ? अगर कोई भी टीवी चैनल खोलो और वो 100 रिपोर्टें देखो तो 100 में से 50 रिपोर्टें बलात्कार की होती हैं। क्या हो गया आखिर इस देश को? पिछले 4 सालों में ये देश गर्त में चला गया और जहाँ देखो वहाँ दुष्कर्म हो रहे हैं। आप लोग अपनी सरकार में रहते हुए सड़क पे क्यों नहीं उतरती मधु जी? अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, अपनी महिला बाल विकास मंत्री से क्यों नहीं न्याय की मांग करती? विपक्ष में आप लोग सड़कों पर उतरोगे मधु जी, अगर किसी के साथ कुछ दुष्कर्म होगा मधु जी, तो आप घर मधु जी जवाब दें, जवाब दें। गरिमा जी ने जो सवाल उठाया है दरअसल बहुत ही जेन्युइन सवाल है, इसका जवाब सही दें। वे लोग कहाँ पर हैं जो तमाम तरह के झंडा बुलंद करने वाले लोग जो आपके नेता थे, जब इस तरह की घटना आपके आपके राज्य में है ना, वहाँ पर बीजेपी की नहीं, सरकार कहाँ के समय पर हमारी सरकार थी गौरी शंकर जी, या मधु भट्ट जी, मधु भट्ट जी महीने तक सड़क से नहीं गए, आपकी नेता या आपके नेता सिर्फ टेलीविजन पर आकर मीडिया से मुखातिब होकर रिएक्शन देंगे, मीडिया से मुखातिब होकर रिएक्शन देंगे? सालों में पहली बार ये घटना हुई है उत्तराखंड के अंदर, शर्मसार करने वाली घटना। पहली बार हमारे वहाँ इस तरह से किसी बच्ची के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसको जलाया गया है। हमने महिलाओं को थानेदार बनाया, महिलाएं थाने में एक महिला जरूर रहेगी और उस समस्या का निस्तारण करेगी। हमने महिला हेल्पलाइन बनाई है ताकि हर महिला की जो समस्या है वो सिर्फ कागजों में नहीं, ठीक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी चलिए इसका लीजों में है। एक मिनट गरिमा जी रुकिए, गरिमा जी रुकिए, मधु भट्ट जी रुकिए, थोड़ा सा इसका लिटमस टेस्ट कर लेते हैं, देखिए इसका कितना फर्क पड़ता है। प्रियंका राणा इस वक्त हमारे साथ है। प्रियंका जी थोड़ा सा बताएं जो जिस पैटर्न की बात मधु जी कह रही हैं, जिस पैटर्न की बात गरिमा दसौली, देखिए मैं इनकी बात से सहमत हूं कि अगर महिला थाना होगा, अगर उस थाने में महिला पुलिसकर्मी होंगी तो आसानी से युवतियां वहां पर, महिलाएं वहां पर आकर अपनी दर्द जो है शेयर कर सकती हैं। लेकिन अगर महिला थाना है भी और इस तरह की घटना जब हो जाती है
कि एक सनकी, इसे तो सनकी ही कहा जाएगा, लेकिन सनकी से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला यहाँ पर बनता है। अगर इस तरह का बेखौफ हवशी, इस तरह का बेखौफ दरिंदा अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है तो महिला थाना भी कितना काम कर पाएगा इस पूरे मसले को लेकर, प्रियंका जरा बताएं, और कितना कितना 100% इसका रिजल्ट सही से निकल कर सामने आ रहा है। प्रियंका गौरी शंकर जी, मैं सॉल्यूशन बता सकती हूँ, प्लीज। प्रियंका को बताने दीजिए, सॉल्यूशन बता सकती हूँ। प्रियंका को बताने दीजिए, इसके नहीं, आप लोग थोड़ा पॉलिटिकल आप लोग थोड़ा पॉलिटिकल हो जा रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए गरिमा जी, प्रियंका जी हैं। गौरी शंकर जी, एक आध सॉल्यूशन कैसे समाज में सुधार आएगा, मैं सॉल्यूशन मैं आता हूँ आपके पास। रुके तो प्रियंका जी बोलिए, आप बीजेपी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस के टाइम पे कौन सा इतना आपने सुधार कर दिया था, दोनों के दोनों राजनीति करते रहते हैं, कभी भी महिलाओं के बारे में किसने सोचा, आपने आंकड़ों पर आज तक नहीं सोचा है। और अभी थोड़ी देर बाद पहले बात हो रही थी महिलाओं की, पहले आप ये बताइए, आप अपना होमवर्क करके आइए। अरे निर्भया सबसे बड़ा आंकड़ा है, गरिमा दसौनी जी, निर्भया सबसे बड़ा आंकड़ा है, बोलने की जरूरत नहीं है। गरिमा जी, इतने ही केस थे, गरिमा जी यहाँ पर जो भी लोग आते हैं पूरा होमवर्क करके आते हैं। गरिमा दसौनी जी, निर्भया सबसे बड़ा आंकड़ा आपका है, इसके बाद कोई भी आंकड़ा काम नहीं करेगा। बोलने दीजिए प्रियंका जी को, आप देखा, प्रियंका जी बोलिए, क्या कदम उठाया आपने, देखा 6,000 करोड़ का कॉर्पस फंड हमने स्टार्ट किया निर्भया के, घटना तो घट गई ना सरकार, मोदी सरकार, घटना तो घटी ना गरिमा दसौनी जी, मैं कहां कह रहा हूं कि आपने आपने एक्शन नहीं लिया फंड के नाम पर 6,000 करोड़ रुपया, मैं बिल्कुल मान रहा हूं इस बात को, इस उस चीज को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी भी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग पाक साफ है। और निर्भया कांड के बाद, निर्भया कांड जो सबसे बड़ा दाग है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, इसके बाद कांग्रेस को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। प्रियंका जी आगे बोलिए, बढ़िया आगे बढ़िए, जो है किसी को नहीं सुनना है, यहाँ पे सिर्फ अपनी पार्टी, अपनी पार्टी, लड़कियों और महिलाओं को चाहे मरने दीजिए, लेकिन इनको कुछ नहीं मतलब है किसी चीज से। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक शिक्षिका को, एक महिला को धक्के देकर बाहर निकालता हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक महिला शिक्षिका को अपने दरबार से, अपने जनता दरबार से धक्के मारकर बाहर निकालता हो, उस प्रदेश में क्या पुलिस प्रशासन को मैसेज जाएगा, बताइए आप। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, महिला विकास मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस पूरे कांड की वजह से। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं, और 18 साल में इतिहास में इतनी घटनाएं नहीं हुई जितनी इनके 2 साल में हो गई। ठीक है, देखिए थोड़ा सा रुकेंगे, मधु भट जी, गरिमा जी थोड़ा सा रुके, प्रियंका जी को बोलने दीजिए, प्रियंका जी थोड़ा सा बताएं। देखिए एक मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है, पुलिस और प्रशासन में एक मैकेनिज्म काम करता है, उस मैकेनिज्म में अगर कहीं सेंध लगती है, सुनिए तो गरिमा जी के साथ बात करें, गरिमा जी सुनिए तो, कृपया आंकड़ों के साथ बात करें प्रियंका जी, क्या 2014 से पहले आंकड़े थे और क्या आज के आंकड़े हैं, वो रखिए जनता के सामने। और मैं चुनौती से कहती हूँ, वो आंकड़े दुगने मिलेंगे आपको। मैडम आंकड़े आंकड़े मुझे मत बताइए, आंकड़े आप लोग जमीन पर उतरकर देखिएगा, क्योंकि हम लोग जमीन पर, हम जमीन पर जाकर काम करते हैं, हम गलियों गलियों में जाकर काम करते हैं, तो आंकड़े मुझे मत बताइए। आपकी सरकार जब थी तब भी मैंने आंकड़े देखे थे, और इस सरकार में भी देख रही हूँ, दोनों सरकारें एक जैसी थी। तो यहाँ पे राजनीतिकरण ना कीजिए, यहाँ पे राजनीति को बीच में न लाइए, महिलाओं के बारे में सोचिए, सही है ये गलत हुआ है, आप लोग आवाज उठाइए, अब आंकड़े रखिए, बिल्कुल डोंट गिव, आंकड़े झट रहे हैं, लेकिन आप लोग राजनीतिकरण ना करें, स्पेसिफिक आंकड़े रखिए आप जनता के सामने, ये जनरलाइज्ड कयास की राजनीति मत करिए, यहाँ महिलाएं कयास की राजनीति मत करिए, गैस वर्ल्ड मत करिए, कि आप भी उसमें नहीं होता था, जनता ने इस सरकार को क्यों चुना, इसलिए हमको 44% दिया, उत्तराखंड में 11% दिया, अब क्या चाहती हैं आप, जनता ने हमको सबक सिखा दिया, जनता ने प्रियंका राणा क्या कह रही है, सुनिए तो, थोड़ी सी भी अगर शर्म आप लोग आंकड़ों की बात जरूर करेंगे, और आंकड़ों में भी आप लोग फेल है, ऐसी बात नहीं है। अगर निर्भया, अगर निर्भया निर्भया कांड को अगर ले लें, सारे आंकड़े फेल है, चलिए हटाइए, रुकिए, चलिए ठीक है, खत्म हो जाएगी इसके बाद। संजीव चौधरी जी बैठे हैं, थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं, संजीव जी खत्म हो जाएगी और आप भी वैसे ही अपनी जिंदगी जिएंगी जैसे जीती आई हैं, कोई अपना कंट्रीब्यूशन आप गिनाइए जरा, क्या कर रही हैं आप, जा रही हैं पौड़ी, आप जा रही हैं श्रीनगर उस बच्ची के पास, हमें संवेदनशीलता का पाठ मत पढ़ाइए।
पहुंचे यहाँ पर, आप पहुंचे हैं, आप अपोजिशन में हैं, आप गए हैं उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, आप भी सिर्फ लेके अपने घर चलो, भी सिर्फ वहाँ बैठ करके भाषण नहीं दे रही है। मैं वही आपसे कह रही हूँ, मैं तो विपक्ष में हूँ, राजनीति ना करिए, मैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है इस पर, ये क्या गरिमा जी विपक्ष वाले भाषण देंगे, उत्तराखंड में भी सड़कों पर विपक्ष वाले भाषण देंगे, लोगों को चुनौती देंगे कि कौन जा रहा है नहीं जा रहा है, ये तो गलत बात है गरिमा जी, ये तो गलत बात है। आप विपक्ष में नहीं, आप विपक्ष में इसका मतलब आप नहीं जाएंगे, आप सवाल उठाएंगे सरकार को बैकफुट पर। चलिए संजीव चौधरी से हम पूछ लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए गरिमा जी, ठीक मैं समझ गया, एक गुस्सा लाजमी है, इस तरह का गुस्सा मेरे अंदर भी है इस तरह की घटना ने। संजीव चौधरी जी, समाजवादी पार्टी की सोच, एक मिनट सुनिए अब थोड़ा सा, हम यहाँ पाठ पढ़ने नहीं आए किसी से संवेदनशीलता का, तो मधु जी से पूछ लीजिए इसको, अपोजिशन से जरा, मधु जी तो कह रही हैं कि हम लोग संवेदनशील सरकार, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहाँ पर पहुँचे क्या उस लड़की को इंसाफ दिलाने, वहाँ पे अब तक कितने लोग पहुँचे हैं? देखिए गौरी शंकर जी, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और संवेदनशीलता यही नजर आ रही है, सरकार काम नहीं कर रही है तो अपोजिशन में कितने उत्तराखंड की बच्ची के साथ हुआ है, तो क्या है देश की बच्ची को उस लड़की को इंसाफ दिलाने, पूछिए उनसे, आपका बहुत टपक टपक के आ रहा, उमड़ उमड़ के संवेदनशीलता आ रही है बाहर, तो आप चले जाओ ना बच्ची के पास, नहीं गरीब, आप हमें मत बताइए हमने क्या करना है, नहीं किया क्या आपने बता दीजिए, हम लोग जो चैनल में बैठे हैं आपसे सीख लेने नहीं, गरिमा जी क्या किया आपने, आपने क्या किया गरिमा जी, अभी तक आपने टेलीविजन पर आने से पहले क्या किया जरा बता दीजिए, मैं ही पूछ रहा हूँ, मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ, बता दीजिए आपने क्या किया, आप लोगों को चुनौती दे रहे हैं कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, संवेदनशीलता का पाठ आपने क्या किया बता दीजिए, बता रही हूँ आप बोलने दे, तब तो हमसे ज्यादा तो आप बोल जाते, नहीं अरे मेरा काम है आपसे सवाल पूछने का, बोलने दे तब तो, अगर अगर मैं यहाँ ना बैठूं सवाल ना पूछूं तो कैसे जवाब देंगे आप, बोलिए आप, अब मैं जवाब दे दूं गरिमा जी, सारा समय तो आपने ही लिया है, थोड़ा जल्दी दीजिए गरिमा जी, और बाकी लोग तो आपने ही ले लिया, सब बाकी लोग भी हैं, बाकी को तो बोलने ही नहीं, हर लोगों का थोड़ा सा समझें, बोलिए आप गरिमा जी, बोलिए जल्दी से बोलिए, बोलिए, हमने रेखा आर्या जी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का इस्तीफे की मांग की है, हमने विज्ञप्ति के माध्यम से मांग करी है, हाँ। कि आपको पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हमने सारे इंसिडेंट्स कोट किए हैं कि जिस मुख्यमंत्री ने एक महिला शिक्षिका को अपने जनता दरबार से निकाला हो, जिस मुख्यमंत्री के रेजिम में उसके नाक के नीचे देहरादून चिकित्सालय में प्रसूताओं की मौतें हो रही हो बेड ना मिलने की वजह से, इलाज ना होने की वजह से, चार चार महीने की बच्चियों के संग दुष्कर्म, और ये सारे काम पहली बार हो रहे हैं 18 साल के उत्तराखंड में, सारे काम, किसानों की आत्महत्या को छोड़ दीजिए वो भी पहली बार हुआ है, लेकिन ये महिलाओं की बात गिरा रही हूं आपको, देखिए जितने ये गरिमा जी, गरिमा जी यहाँ आप में इकलौता इंसिडेंट है उत्तराखंड के अंदर, आप सिर्फ उत्तराखंड के संदर्भ में बात नहीं करें गरिमा जी, सरकार को सिर्फ उत्तराखंड के संदर्भ में बात नहीं करें, देखिए इसमें आप फेल हो रही है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से करूँ या अखबारों के माध्यम से करूँ, संवेदनशील है, हमने उसको 24 घंटे से पहले पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे भी कर दिया, अरे ठीक है कर दिया, लेकिन घटना तो घट गई, प्रियंका जी के पास हम लौटेंगे एक बार, इसके बाद आएंगे संजीव जी के पास, थोड़ा सा रुके मधु जी, नहीं ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, उतना हर सरकार उतना करती है, कोई आपने बड़ा काम नहीं कर दिया, कोई आपने बड़ा काम नहीं कर दिया मधु भट्ट जी, हर सरकार करती है, प्रियंका जी एक मैकेनिज्म बताएं, जिस मैकेनिज्म के आधार पर ऐसा लगता है कि कानून कितना भी सख्त कर दिया जाए, सरकार कितनी भी संवेदनशील हो जाए, लेकिन ये ऐसे मसले हैं, ये ऐसी चीजें हैं जहां पर दरअसल बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है, और उसमें हम लोग फेल हो रहे हैं, उसमें उस पैरामीटर को हम लोग एक्चुअली में लागू नहीं कर पा रहे, उस पैरामीटर पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन के तमाम जो मैकेनिज्म है वो दरअसल काम ही नहीं कर पा रहा है ना, थोड़ा सा इसको राजनीति से अलग हट करके थोड़ा सा प्रियंका बताएं, दौड़ में सबको बिल्कुल, और कुर्सी की दौड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि बस एक दूसरे पे आरोप लगाना सिर्फ यही आता है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का फेवर नहीं करूंगी, चाहे पहले की सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, कोई भी सेंसिटिव नहीं है इन मुद्दों को लेकर के, ना ही वो कुछ करना चाहती है, इच्छा शक्ति तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की बात है निर्भया कांड, हम इतनी बार श्रद्धांजलि दे चुके हैं, हम लोग इतनी उनकी
छह साल हो चुके हैं, लेकिन उसका जो फंड था वो कैसे यूज हुआ है, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हुई थी दिल्ली के अंदर, वहीं पे हमारी कैबिनेट मिनिस्टर मेनका गांधी जी ने ये बोल दिया कि सीसीटीवी कैमरा कोई जरूरत ही नहीं है उनकी, वो बिल्कुल यूजलेस है। तो जब महिला, अभी महिलाओं की बात हो रही थी कि महिला हमने थाने में हमने महिलाओं को रख दिया है इसलिए उनकी बात सुनी जाएगी, जब आपकी कैबिनेट मिनिस्टर ही इतनी इनसेंसिटिव है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाएं की बात सुनी जाएगी? तो ये तो सरकार को देखना पड़ेगा, और सरकार तो चाहे कोई भी हो, किसी ने कोई काम नहीं किया है, जमीनी तौर पे अगर काम किया जाए तो पहले सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, खौफ होना चाहिए, अपराधी बेखौफ इतना खुलेआम घूम रहे हैं, आपका एसिड अटैक होते हैं, लड़कियों को स्कूल जाते टाइम सेफ नहीं है, रात को महिलाएं निकल नहीं सकती है, क्या चेंज आया है इस सरकार से? किसी भी सरकार से कोई चेंज नहीं है, महिलाओं की स्थिति पहले से भी बदतर होती जा रही है, इतना विकास की बातें हो रही है कि हमारा देश इतना विकसित हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, कहाँ है? जब लड़कियां ही घर से बाहर नहीं निकल सकती तो क्या कर सकते हैं? इक्वालिटी की बात होती है कि महिलाओं को इक्वालिटी दी जाती है, 50% आबादी है महिलाओं की, परिवर्तन और वही जब घर से निकल के काम नहीं कर सकते, इक्वालिटी भी कहाँ है? परिवर्तन कहाँ दिखे और कैसे दिखे? दरअसल परिवर्तन है ही नहीं कहीं भी। मैं संजीव चौधरी के पास आऊंगा, संजीव चौधरी को थोड़ा बोलने के लिए मौका देंगे। संजीव चौधरी जी, समाजवादी पार्टी, मैं देखिए किसी के सोच पर, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सोच पर कोई सवाल नहीं उठा। एक मिनट रुक जाइए, संजीव चौधरी जी, जी मुलायम सिंह यादव जी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बोलना पड़ रहा है। जब ये कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, माफ कर दिया जाए, है ना, बलात्कार के आरोपी थे, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरा 10,000 रुपए का मोबाइल, है ना, मोबाइल स्नैचर ने छीन लिया। अखिलेश यादव के ऊपर तो मेरा बकाया भी है 10 से 15,000 रुपया, है ना, अभी तक नहीं मिला मुझे। सरकार थाने में गया था संजीव जी, जी जी, पुलिस वाले हंस रहे थे हमारे ऊपर, जी जी, जिस तरीके से छीना गया मोबाइल हंस रहे थे, लेकिन देखिए अब बीजेपी की सरकार आई है, ये सब चीजें मैं थोड़ा कम देख पा रहा हूँ, है ना, लोग थोड़ा सा बेखौफ होकर के घूम टहल रहे हैं, मैं परिवर्तन मैं तो देख पा रहा हूँ, लेकिन ये जो मानसिक प्रवृत्ति है महिलाओं के खिलाफ, जो मानसिक प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में भी कम नहीं हो पा रहा है, चाहे आपकी सरकार थी या बीजेपी की सरकार है, चीजें वही की वही चल रही है। देखिए अभी आपने जो हमारी सरकार के ऊपर, माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर जो प्रश्न किया, हम माननीय मुलायम सिंह यादव ही की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिला थाना खुले थे वो उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह सरकार में ही खुले थे, जो मेरठ के अंदर। फर्क क्या हुआ इसके? मैं एक मिनट बोलता दूं, मैं लखनऊ के अंदर जो पहला थाना खुला था महिला थाना, वो माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में खुला था, उन्होंने ही उसका उद्घाटन किया। पहले तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जी महिलाओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं, उनकी भागीदारी चाहे वो राजनीतिक में हो चाहे वो पीड़ित में हो, उन्होंने पूरा हर तरीके से महिलाओं की मदद की है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये विषय अभी जो चल रहा है ये यहाँ आपस में एक दूसरे को अच्छा और बुरा करने का नहीं है, एक लड़की के साथ बहुत दुखद घटना हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ राजनीति करने का हमारा सवाल नहीं है। प्रश्न ये है, एक तो उस दोषी को सजा मिले, जो भी ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई, जो हमारी प्रियंका जी राणा जी अभी बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी, लेकिन कुछ हद तक मैं गरिमा जी की बात से भी सहमत हूँ। मुख्यमंत्री जी यदि महिलाओं को इस तरीके से बेइज्जती करके, मैंने भी वो देखा प्रकरण, मैंने भी देखा वो कि बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती करके एक महिला को धक्के देके निकाल दिया, यदि ना करते हो शायद ये घटना जो आज हुई है शायद ना होती। तो यहाँ राजनीति करने का सवाल नहीं है कि समाजवादी ने क्या कम किया, बसपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, पूछ लेते सवाल पूछ लेते हैं, प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो जो वहां पे घटना हुई है वहां के थाना इंचार्ज SSP तमाम उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, और मैं तो यहां तक भी मांग करूंगा कि इनकी जो मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री के ऊपर उसी टाइम कार्रवाई कर देता इनका भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो शायद ये घटना आज नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, इस बात से मैं सहमत हूं। ये लोग डरते हैं, इस बात से मैं सहमत हूं, हटा देंगे तो इनकी सरकार गिर जाएगी। मधु जी ये डरते हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपकी सरकार महिला विरोधी है, पक्का बिल्कुल महिला विरोधी है। दिल्ली के अंदर आप रैली कर रहे हो महिला सम्मान में, और जब कितने नारे आप दे रहे हो, ये कहां महिलाओं का सम्मान हो रहा है? महिलाओं के साथ किस प्रकार से? अरे आपकी सुषमा स्वराज जी कहां गई है? अब वो विदेश में जाती हैं। आप विदेश में ताकत दिखा रहे हैं, हमें विदेश में ताकत नहीं चाहिए। मधु जी हमको विदेश में ताकत नहीं चाहिए, अपने देश के अंदर ताकत चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमें अपने देश के अंदर ताकत चाहिए। आपकी वही सुषमा स्वराज जो
जो सड़क पे बैठ जाती थी विपक्ष में, वो आज विदेश में घूम रही है। कहां है आपकी, कहां है आपकी स्मृति ईरानी, कहां है आपकी स्मृति ईरानी? वो उन्होंने सही सवाल किया, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही सवाल किया था। आपकी स्मृति ईरानी कहां है जो कितने कसीदे करती थी महिलाओं के लिए, वो विदेशों में घूम रही है। हमको विदेश में नहीं चाहिए, आप हमको इस देश के अंदर, इस देश के अंदर आज चाहिए। आपकी वही सुषमा स्वराज हर टाइम सड़क पर बैठी रहती थी, किसी भी, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हर टाइम सड़क पर बैठ जाती थी। आज उनका नाम भी नहीं है, किसी डिबेट में भी नहीं आती। गई वो उत्तराखंड, आपकी कौन सी महिला मंत्री गई है, केंद्र की कौन सी महिला मंत्री, आप मुझे एक जवाब बता दीजिए, आपकी कौन सी महिला मंत्री इस घटना के पास गई है? मुझे सिर्फ मधु भट्टी गई है, नहीं पूछ लीजिए आप मुझे। क्या सुषमा स्वराज जी को पता नहीं है इस घटना का? मधु भट्टी तो इधर आ गई, गरिमा जी इधर आ गई।